तो गाइस ये मेरी मम्मी ने मेरी छोटी करी है और काफी टाइम के बाद मैंने मम्मी से छोटी कराई और मुझे काफी अच्छी लगी। तो गाइस ये सरसों का तेल है जो मैंने अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले लिया है। इसके बाद इसमें मैं कैस्टर ऑयल डालूंगी। तो यही तेल मम्मी मेरे सर में लगाएंगी। तो गाइस मम्मी मेरे सर में बचपन से सरसों का तेल ही लगाती थी और मेरे बाल बहुत ज्यादा घने लंबे थे। अभी तो थोड़ा कम दिखते हैं पर इससे कहीं ज्यादा बाल थे मेरे। और ये सरसों का तेल प्योर फॉर्म में है क्योंकि मेरे घर का ही है और इसको चक्की पे पिरवाया जाता है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं होती है और ये बालों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। और ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी गाइस कि मैं मम्मी से हेयर ऑयलिंग कराऊं और कॉम्बिंग करा के चोटी बनवाऊं, तो इसलिए मैंने मम्मी से हेयर ऑयलिंग कराई है। और मुझे आज पूरा बचपन याद आ गया जब मम्मी मेरे सर में हेयर मसाज करती थी ऐसे ही। और मम्मी के हाथ की चम्पी बहुत ही रिलीफ देती है, तो अगर हेडेक भी हो रहा है आपको तब भी काफ़ी रिलीफ मिलता है उसमें। और अगर आपको बाल अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं, हेल्दी करने हैं और उनका वॉल्यूम बढ़ाना है गाइस और उनकी साइन बढ़ानी है, तो आपको हफ्ते में कम से कम एक बार हेयर मसाज जरूर करना चाहिए। आपके सर में तेल लगना चाहिए, जड़ों में अच्छे से तेल नहीं जाएगा तो फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ेंगे, क्योंकि बालों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जैसे हमारी बॉडी को होती है, तो वही प्रोसेस वहाँ भी अप्लाई होगी। तो आप जो है अपने बालों के अच्छे से मसाज करिए और हेल्दी फूड लीजिए, हेल्दी डाइट, फास्ट फूड को अवॉइड करिए और हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ योगा करिए जो बालों के लिए अच्छे होते हैं, तो उससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। और मैं ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ इसलिए मेरे बाल सही हैं, तो झड़ते भी हैं तो मेरे नए बाल उग आते हैं। तो अगर आपके साथ कोई हेल्थ इशूज़ हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अदरवाइज़ आप अपने डाइट को कंट्रोल करिए कि बाहर का आप ज़्यादा मत खाइए। तो गाइस मम्मी पूरे हेयर्स में अच्छे से, हेड में, बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज कर रही हैं और तेल अच्छे से लग रहा है और अब वो अच्छे से चम्पी करेंगी। और मम्मी की चम्पी मुझे बहुत याद आती है। और गाइस ये सच है कि माँ के हाथ में जादू होता है, तो वो चाहे खाना बनाएं या फिर सर में तेल लगाएं तो सभी चीज़ें जादू जैसी होती हैं। तो मसाज से मुझे काफ़ी रिलीफ मिला था। अब ऐसे ही मम्मी पूरे हेयर्स में तेल लगा दिए हैं और बालों के अब पूरी लेंथ में तेल लगा दिए हैं और बालों के अब पूरी लेंथ में अच्छे से तेल लगा देंगी। और मम्मी मसाज भी बीच बीच में कर रही हैं, तो आप हफ्ते में एक बार ज़रूर मसाज करिए और उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि बालों पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। और गाइज मेरे बाल 2 महीने में काफ़ी ग्रोथ किए हैं, तो मैं इसका वीडियो बहुत जल्दी लेके आ रही हूँ, आप चैनल से कनेक्ट रहिए। और मैं अपने बालों की रेगुलर केयर करती हूँ, इस वजह से बढ़ रहे हैं, तो आप भी अगर करेंगे तो आपके भी बाल बढ़ेंगे। तो जिन लोगों को भी अपने बालों की ग्रोथ करनी है और बालों को बढ़ाना है, घना करना है, तो आप अगर मेरे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके बाल ज़रूर बढ़ेंगे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं यूज़ करती हूँ, घर की चीज़ें, घर की रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ और उससे बालों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखता है। बाल भी काफ़ी अच्छे रहते हैं, ग्रोथ भी अच्छी आती है और उनकी पर मंथ के हिसाब से लंबाई भी अच्छी बढ़ती है। और जिन्हें हेयर प्रॉब्लम है या जिन्हें बालों को बढ़ाना है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें वीडियो को, जिससे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए व्यूवर हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन उन तक पहुँचते रहे। और उनको अगर हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो उनको मिलती रहे, जिससे उनकी प्रॉब्लम का सलूशन उन्हें मिल सके। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को देते रहिए गाइस। तो मेरे सर में तेल लग चुका है अच्छे से, अब मम्मी मेरे बालों को सुलझा रही हैं, कॉम्बिंग कर रही हैं। तो ये वीडियो मेरी मम्मी के लिए आप ज़रूर शेयर करना और लाइक करना, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी थी मेरे बालों पे और वो गर्मी में ऐसे बैठी थी तो उन्हें काफ़ी पसीना आ गया था। तो गाइस देख सकते हैं आप, मम्मी मेरी चोटी बना रही हैं
और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी मम्मी की बनाई हुई चोटी। तो आप बताना मेरी चोटी कैसी लगी आपको। और मम्मी हमेशा ऐसे टाइटली चोटी करती थी बचपन में, और मैं हमेशा चोटी करके ही जाती थी स्कूल, और मोस्टली मैं रिबन वाला हेयर स्टाइल बनाती थी। तो मैंने 12th तक रिबन वाला हेयर स्टाइल ही बनाया है, और मैंने रिबन हेयर स्टाइल का वीडियो चैनल पे डाल दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लेना जिसको भी देखना है। और बहुत ईजी रहती है, उससे हेयर की लेंथ भी बढ़ती है अगर आप चोटी करके रखेंगे। तो मम्मी हमेशा ऐसे ही मेरी चोटी करती थी और मुझे चोटी करना पसंद भी था। तो गाइस फाइनली मेरी चोटी बन गई जो मेरी मम्मी ने बनाई है, तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही है। और काफी टाइम के बाद मैंने मम्मी से चोटी कराई और मुझे काफी अच्छी लग रही है।